विद हेल्प ऑफ भीम बैकअप एंड एप्लीकेशन टूल वी आर एबल टू क्रिएट अ रेपोजिटरी फॉर द ऑब्जेक्ट एंड वी कैन सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ रेपोजटरी ओवर अ क्लाउड पोर्टल एज वी नो दैट गाइज आज की डेट में अपने पास मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑन प्रोमाइसिस बीम बैकअप के टूल पे रेपोजिटरी uh, क्रिएट करने के लिए क्योंकि हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको स्टोरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है अगर हम ए की बात करें तो ए में आपको एस थ्री बकेट ग्लेशियर मिल जाएगा राइट एमेजन वेब सर्विस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एजियर की बात करें तो ब्लॉप स्टोरेज मिल जाएगा इसी तरीके से आई बी एम स्टोरेज पे आई बी एम क्लाउड पर मिल जाएगा आपको गूगल क्लाउड पर स्टोरेज मिल जाएगा सो एज पर द नेम सजेस्ट ये जो रेप्रोजरी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और ये जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वीम बैकअप रेपोजिट्री ऑब्जेक्ट रेपोजिट्री एंड सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज यूर एज योर पोर्टल की हेल्प से एज यूर स्टोरेज सर्विस की हेल्प से कैसे हम अपने ऑन प्रोमाइस वीम बैकअप का रेपोजिट्री क्रिएट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं टू अपलोड आवर पर्सनल डेटा फाइल फोल्डर बैकअप एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू पुट इनटू द ऑब्जेक्ट रेपोजिट्री वो हम सारा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं मूव करते हैं अपने सेटअप पे और आपको एक एक स्टेप दिखाते हैं कि कैसे टास्क परफॉर्म किया जाता है क्या क्या ऑप्शन uh, आपको देखने को मिल सकते हैं बट बिफोर दैट अगर आप नए हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड की तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको हंड्रेड परसेंट लाइव प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए ताकि आप आसानी से हमारे वीडियोस के स्टेप्स देख करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ राइट दिस इज़ द बेम बैकअप एंड रेप्लीकेशन एलेवन पॉइंट जीरो और इस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे एजयूर पोर्टल पर जो स्टोरेज अकाउंट हमने पहले से तैयार कर रखे हैं या आप एक नया स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हैं इट्स अप टू यू मैंने अपने केस में दो से तीन स्टोरेज अकाउंट पहले से तैयार कर रखे हैं बैकअप स्टोरेज स्टोरेज 1988, सो so, इनमें से किसी भी स्टोरेज का इस्तेमाल करके अपने इस बीम बैकअप के लिए का तैयार करेंगे रे, को क्रिएट करने का काम करेंगे राइट सो दिस इज द पैनल जहां से हम सारा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं मेक श्योर sure कि जहां पे आपने इस बीम बैकअप को इंस्टॉल किया है उस मशीन के ऊपर इंटरनेट का एक्सेस है मिनिमम ट्वेंटी एम इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए ताकि लेटेंसी ना आए और हम अपनी सर्विसेज को आसानी से इस्तेमाल कर सकें होम पेज पे हैं हमें जाना होगा बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड द रेपोजिटरीज सो बैकअप रेपोजिटरीज पे क्लिक किया और इस पर हम राइट right क्लिक करेंगे ऐड बैकअप रेपोजिटरी चार ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज जिसका हमने प्रैक्टिकल दिखाया था कि आप एन वगैरह से शेयर करके अपने इस अटैच डायरेक्ट अटैच डैक डैश जिसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज का इस्तेमाल कर पाएंगे नेटवर्क अटैच स्टोरेज नैस और ये डुप्लीकेटिंग स्टोरेज अप्लायंस कोई हार्डवेयर आपने परचेज किया है जो स्टोरेज के लिए के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन के जरिए मैनेज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन की बात करें ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो पेज है ये आपका कोर रिलेटेड टू द क्लाउड पोर्टल है एस थ्री बकेट का वीडियो हम पहले आपको अपलोड कर चुके हैं तो आई ट्राई टू पुट इट इन पुट द लिंक इन आई बटन वहाँ से आप देख लेंगे अभी हमारा एजेंडा है कि एज स्टोरेज में जो ब्लॉब है, है जो कंटेनर्स हैं उस कंटेनर में कैसे रिपोजिट्री को माउंट करते हैं कैसे रिपोजिट्री को तैयार करते हैं तो हमने लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं डेटा बॉक्स है एज योर डेटा बॉक्स है एज योर आरकाइव स्टोरेज है और लास्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन है अपने पास एज यूर ब्लॉब स्टोरेज तो हम अभी चलते हैं ब्लॉब स्टोरेज पे ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी नाम दे दो यहाँ पे एज योर ब्लॉब क्लिक नेक्स्ट और यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा क्लाउड का क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप अपने स्टोरेज अकाउंट का को डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सकें सो डू वन थिंग अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं डेमो स्टोरेज 1988 सेवन इसको सेलेक्ट किया और इसमें एक ब्लॉक बना लेते हैं यानी कंटेनर में जा करके एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसमें अपना डेटा रख सकें ठीक है कंटेनर्स पे क्लिक किया कंटेनर क्लिक करते हैं यहाँ पे लोकल एज योर स्टोरेज एक यूनिक नाम हमने दे दिया यहाँ पे लोकल एज स्टोरेज के नाम से ये ब्लैंक है इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं तो हम इस पर्टिकुलर टूल का इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहते हैं टू कनेक्ट अवर ऑमप्रोमाइस मशीन ठीक है अब जो अकाउंट का पासवर्ड देंगे आप अकाउंट का पासवर्ड ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो बेटर है आप अपने रूट अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा ऑप्शन देंगे वी ऑलवेज प्रोसीड विद द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आई डी एंड पासवर्ड वो प्रोवाइड करेंगे और रीजन रीजन की बात करें तो रीजन के केस में चाइना गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं या एज यो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे टास्क को काम करते हैं तो इस पे जाएंगे अदरवाइज आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे बिकॉज वी आर यूजिंग फॉर द टेस्टिंग पर्पज मैनेज अकाउंट और ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा अकाउंट का नेम एंड शेयर्ड की ठीक है तो जो अकाउंट का नेम एंड शेयर्ड की है अगर आप ग्लोबल यूजर का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लोबल एडमिन मेंबर का इस्तेमाल करके आपको एक स्टोरेज का एक्सेस मिल रहा है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं और अगर आपके पास रूट अकाउंट है तो रूट अकाउंट से भी हम इसको कनेक्ट करा सकते हैं यहाँ पे हमने अकाउंट नेम जो भी आपका स्टोरेज अकाउंट का नेम है वो आप टाइप कर देंगे सो so, अपने केस में जो स्टोरेज अकाउंट है विच इज़ डेमो स्टोरेज 1988 एटी एट सेवन ठीक है इसको हमने किया कॉपी यहाँ से कॉपी करने के बाद जस्ट नीड टू पेस्ट हीयर और दूसरा है शेयर्ड की शेयर्ड की निकालना आप स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, जिस भी स्टोरेज अकाउंट का शेयर की निकालना है और यहाँ पे नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे एक्सेस की पे जाएंगे और जस्ट नीड टू कॉपी दिस पर्टिकुलर की कीज़ को कॉपी करने के बाद एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे दिस इज़ अवर स्टोरेज अकाउंट नेम हमने दिया है इस स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग पे जाएंगे एक्सेस कीज़ पे जाएंगे एक्सेस कीज़ पे जाने के बाद सो कीज़ कर देंगे कॉपी द कीज़ और यहाँ पे आप आ जाएंगे एंड जस्ट नीड टू पेस्ट हियर पेस्ट करने के बाद ओके okay कर देंगे विद इन मिनट हमने इसको असाइन कर दिया एंड क्लिक ओके ओके okay करने के बाद रीजन स्टैंडर्ड है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इट विल फाइंड द स्टोरेज ब्लॉब्स दैट वी क्रिएटेड जितने भी कंटेनर्स हमने बनाए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी तो हम किस में रखना चाहते हैं लोकल एज स्टोरेज अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था ये हमने क्रिएट कर दिया और इसके अंदर फोल्डर अगर आपने कोई क्रिएट किया है देन वेल एंड गुड अदरवाइज़ हम यहाँ से एक फोल्डर बना लेते हैं राइट right? इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं विथ नेम ऑफ डेटा स्टोर ठीक है कोई सभी नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लिक ओके देन अप्लाई need to select the correct करेक्ट uh, blob that we created uh, या container जो भी हमने बनाया उसको select करेंगे and then finish. रेपोजिटरी हमारी रेडी हो चुकी है और अब इस रेपोजिटरी का जो इस्तेमाल करेंगे टू पुट योर ऑब्जेक्ट्स आप जो भी डेटा रखेंगे वो इनडायरेक्टली कहाँ पे आएगा आपके इस कंटेनर पे आएगा जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था विद नेम ऑफ एज योर स्टोरेज कंटेनर ठीक है यहाँ बीम का फोल्डर आ गया विच इज़ ब्लैंक अभी इसमें कुछ नहीं रखा है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है हम क्या करेंगे इसके अंदर जो भी बैकअप सेटअप करेंगे आप राइट right, जो भी आप फाइल फोल्डर का बैकअप क्रिएट करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस से मीन्स ऑन प्रोमाइसिस भीम बैकअप से वो सारा का सारा डेटा आप ये पाथ प्रोवाइड करेंगे ताकि क्लाउड इसको कंटेन कर सकें उम्मीद है आपको स्टेप ये समझ में आ गया होगा तो अगले स्टेप में मीन्स जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग वीम बैकअप और पुट इट इन टू द